दमन में शिक्षा तंत्र ने नई पहल करते हुए सामाजिक शिक्षा प्रदर्शनी लगाई। एजुकेशन हॉल में सहायक शिक्षक निदेशक मणिलाल पटेल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रतिभागी विद्यालयों के छात्रों को शुभकामनाएं दी। इस प्रदर्शनी में जिले भर के 12 सरकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनी कृतियों में सांची का स्तूप, लाल किला, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा जैसी नामी ऐतिहासिक धरोहर के मॉडल थे। स्टॉल पर आने वाले को वहां के मौजूद छात्र कृतियों के बारे में बता रहे थे। एडीएम मणिलाल पटेल ने इस प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए कहा कि समग्र शिक्षा के तहत यह सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में छात्रों की समझ बढ़े और वे अपने देशकाल से समग्र रूप से परिचित हो सके, इसलिए यह सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। कृतियों के रूप में छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। मालूम हो कि जून 2018 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान व टीचर एजुकेशन को मिलाकर समग्र शिक्षा योजना शुरू की, जिसका मकसद शिक्षा का स्तर सुधारना तथा तकनीकी इस्तेमाल बढ़ाकर छात्र व शिक्षकों को अधिक सशक्त बनाना है। प्रदर्शनी में पुरस्कार भी रखे गए थे, जिसमें प्रदर्शन के लिए भीमपुर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रथम, कच्चीगाम स्कूल को द्वितीय, डबल स्कूल को तृतीय पुरस्कार मिला। भारत में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित एक नानो गांव छे। ये भोपाल के 46 किलोमीटर दूर आवेलु छे। ये मध्य प्रदेश ना मध्य भाग में आवेलु छे। अहीं अनेक नाना मोटा स्मारक बुद्ध धर्म ना स्मारक आवेला छे। तेमांथी एक छे साचीन स्तूप। साचीन स्तूप नो निर्माता सम्राट अशोके करावी हतो। ते 300 फूट पहाड़ी ऊपर ऊंचे आवेलु छे। ईस्वीसन 1818 ना पहला लोग आ साचीन स्तूप थी अजाण्या हतो। कोई ने आनु खबर न न ईस्वीसन 1818 मा जॉन टाइलरे तेनी शोध करी ने 1912 मा जॉन मार्शले तेनी खोदकाम करायुं। साची मा अनेक नाना मोटा स्तूपो आवेला छे। ते मोटा मोटा भागना स्तूपो ने महास्तूप छे कहेवामां आवे छे। ते सम्राट अशोके ત્રીજી સદી માં નિર્માણ કરાવ્યું હતું। આજે સમગ્ર શિક્ષા ના અંદર માં એક સોશિયલ સાયન્સ વિષય ઉપર એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું હતું। એમાં જે સરકારી જે સેકન્ડરી હાઈ સેકન્ડરી સ્કૂલની જે સ્કૂલો જે છે એમાં 12 સ્કૂલોએ ભાગ લીધો હતો। એમાં જે છોકરાઓ જે છે એમણે સોશિયલ સાયન્સ વિષય ઉપર સરસ જુદા જુદા પ્રકારના એક્ઝિબિશન મૂક્યા છે એમણે। આ પ્રોગ્રામ રાખવાનો ઉદ્દેશ્ય કે જે આમ તો આપણે સાયન્સ વિષય ઉપર તો એક્ઝિબિશન રાખીએ છીએ, પણ એક સોશિયલ સાયન્સ વિષય ઉપર એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવતું નથી, તો આ સામાજિક વિજ્ઞાન જે વિષય છે એના ઉપર એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું કે જેના કારણે આવા જે વિષયો હોય તો એ વિષયોમાં પણ વિદ્યાર્થીઓની રુચિ જે છે એ રુચિમાં વધારો થાય। મારું નામ પ્રિયંકા કૃષ્ણ યાદવ છે। મેં ગવર્મેન્ટ હાઈસ્કૂલ કચ્છી ગામથી આવેલી છે। આ સ્તૂપના વિશે, આ સાચીના સ્તૂપ વિશે જે આપણા ઐતિહાસિક સ્થળો છે તેના વિશે આપણા ભારતમાં કેટલા લોકો છે તેને ખબર નથી। આ સાચીના સ્તૂપ તેમાં અંડકાર બનાવવામાં આવ્યું છે। તે એક હરમિકા પર અંદર શારીરિક બુદ્ધ ભગવાનના શારીરિક અંગો, દાંત, વાળ, નખ જેવા અંદર દાબડામાં ભરીને મૂકેલા છે। તે કેટલાક લોકોને આના વિશે જાણકારી નથી। તે આ જાણકારી વિશે અમે આ સાચીના સ્તૂપનું મોડલ તૈયાર કર્યા છે। મારું નામ છે જયંતી સંતોષ ધોરી, મેં ધોરણ 10માં ભણું છું। મારી સ્કૂલ છે ગવર્મેન્ટ હાઈ સેકન્ડરી ઝરી। અમે સોશિયલ સાયન્સના એક્ઝિબિશન માટે આવીએ છીએ। અમે બાળકોને પ્રોત્સાહન કરવા માટે આવીએ છીએ। આજના જમાનામાં લોકો પુરાણા જમાના ઇતિહાસનું બધા ભૂલતા ચાલી ગયા છે, એટલા માટે અમે બધું બાળકોને પ્રોત્સાહન માટે આવીએ છીએ। કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર, લાલ કિલ્લો, બુલંદ દરવાજો, સાચીનો સ્તૂપ, કુતુબ મિનાર, દક્ષિણ ભારતની મંદિરનું રેખાચિત્ર। ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है। इससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं। मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था। हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा। सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को
खुशियां लौट आती हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले से, ए शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु से, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना में लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य ने मंगल कामना करी शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है, यह योजना जो है जो एक घर के किसी एक एलईडी लाओ, बिजली बचाओ। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है। और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा, मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए। बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। संघ प्रदेश दमन एवं दीव प्रशासन स्वास्थ्य विभाग दमन द्वारा लोगों से अनुरोध है कि मलेरिया रोधी कार्यक्रम के दौरान मलेरिया से बचने के उपायों का पालन कर स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करें, अपने आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें, छोटे छोटे गड्ढे, बिना उपयोग के बर्तन जैसे ड्रम, डिब्बे, नारियल, टायर, गमला आदि में बरसात का पानी भरने ना दें, मच्छरदानी में ही सोए, घर में दवा का छिड़काव करवाए, बुखार आने पर खून की जांच कराए और स्वास्थ्य कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दे, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात पा सके। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम दमन एवं दीव द्वारा जनहित में जारी।